वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। हम रोज योगा आपको करवाते हैं किसी ना किसी तरह, और सलाफे में कहीं बाहर से बता रही होती है कि आपने आज बैक के लिए योगा करना है। डायबिटिक पेशेंट ये करेंगे, जिनको कमर का इशू है, जिनको कोई भी मसाइल है, वो सब योगा हमें सलाफे कराती है। आज हमने सोचा सलाफे को अपने बाहर से क्या बुलाना है, आज हम उनको सेट पर बुला लेते हैं और उनसे यहीं पर डिटेल जो एक्सरसाइज है योगा के हवाले से, जितनी टिप्स वो हमें बता सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से बता सकती है, हम सब उनसे डिस्कशन करने वाले हैं। तो वेलकम करेंगे सलाफे नकवी का। कैसे हैं सलाफे? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी ईद की तैयारी कहाँ तक पहुँची? ईद की तैयारी अभी तो भी आने से अभी तक कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 14 अगस्त की भी कोई तैयारी? वो थोड़ा बहुत है बस। अच्छा? उसमें और मुझे बचपन से, हम अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, बस शौक है सिर्फ और सिर्फ पेंट करने का, यहाँ पर फ्लैग बने। अच्छा? तो वो चीज अभी भी है, अभी मुझे भी होता है कि हाँ। अच्छा, वो मुझे अब हमारे, मैं तो बिल्कुल भी इतना दूर नहीं करती, सॉरी, बट वो अब चीज अब बचपन में था ना, वो खत्म हो गया। अब ये होता है कि अब मुझे ये याद है कि मैंने अच्छा ग्रीन और व्हाइट पहनना है क्योंकि मैंने शो करना है। हाँ, वो अगर घर पे होते तो ये शायद ये भी ना हो, ये भी ना हो। अच्छा सलाफे, योगा के हवाले से बात करें तो इम्पोर्टेंस योगा की हम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, जो लोग नहीं हमें फॉलो करते रहे उनको भी। योगा के बारे में अगर ये कहीं ना कहीं कहा जाता है बड़ी स्लो एक्सरसाइज है, शायद इसके रिजल्ट्स उस तरह इफेक्टिव नहीं होते और ये सब है, पर अगर देखा जाए नॉर्मली हम लोग फील नहीं करते, जितनी स्लो एक्सरसाइज इसमें की जाती है आप में उतना ही पेशेंस आता है। योगा को कहा जाता है आसान से जबान में न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो आपके जो जहन में आप कर रहे हो वही आप बनते हो, वही आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो तकरीबन 80% आपकी जो बीमारियां होती हैं वो साइकोसोमेटिक होती हैं, यानी कि उनका ताल्लुक जहन से होता है। तो योगा आपको मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली रिलैक्स करता है। तो ये तीनों चीज़ों को अलाइन करने से इंसान का जो हेल्दी लाइफस्टाइल बन सकता है। सो इसकी इंपॉर्टेंस तकरीबन तमाम एस्पेक्ट में आपके लाइफ में है। अगर आप अपने बच्चों को योगा सिखाना शुरू कर देते हैं, मेडिटेशन उनको करवाते हैं, तो उनमें जो ये हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं उनमें फ़र्क आना शुरू हो जाता है। कई दफ़ा होता है हमें स्ट्रेस हो रहा है, अब हम क्या करें, रिलैक्स किस तरह हो, एंटी डिप्रेशन वगैरह ले रहे हैं, दवाइयाँ अपनी जगह, लेकिन अगर आप कुछ आसन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने लग जाते हैं रिलैक्स हो जाते हैं। साइनस है, एलर्जीज हैं डिफरेंट, इवन डायबिटीज़ है, वो इन चीज़ों से क्योर की तरफ जाती है। एक चीज़ जो बड़ा कॉमन इशू आजकल चल रहा है स्पेशली लड़कियों में, हार्मोनल इम्बैलेंस का, वो इससे क्योर हो जाता है। और जितने योगीज वगैरह वो इस चीज़ को कहते हैं कि 90 to 95% इसको हम क्योर की तरफ लेके जाते हैं योगा से। तो मेडिकेशन से ज़्यादा अच्छी बात यही है कि आप इसको प्रैक्टिस करें, फिटनेस भी है, और मैं कहती हूँ मेंटल एस्पेक्ट ज़्यादा ज़रूरी होता है कहीं ना कहीं, कि आप मेंटली रिलैक्स हों तो इसकी इंपॉर्टेंस वाकई मेरी नज़र में भी, क्योंकि मैं खुद भी इसको प्रैक्टिस करती हूँ, तो मुझे होता है ये बहुत सही चीज़ है। मुझे कई दफ़ा जब खुद को होता है, कई दफ़ा स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो बजाय इसके कि मैं किसी और एक्टिविटी में जाऊँ, मुझे ये होता है कि रिलैक्सेशन वाला कोई भी म्यूज़िक लगाएं। और मैं ये लोगों को ये कहती हूँ कि जो योगा वगैरह करें कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक वगैरह लगा लें, आप उसको थोड़ा सा क्रिएटिव बनाओ चीज़ को, और उसके बाद मेडिटेट बेशक करें, सिर्फ अपने सांस पर गौर करें। एक जो हम प्रेशर पॉइंट लोगों को बताते होते थे, इसका जो वेट रिडक्शन का होता था, एक चीज़ मैं फोकस का बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जिनके एग्ज़ाम वगैरह आ रहे हैं, तो फोकस किस तरह आप डेवलप अपना कर सकते हो। बड़ी अजीब सी बात है, बचपन में कई दफ़ा कुछ टीचर्स होते थे आपके कान पकड़वा देते थे। हाँ। है ना, आपके एयरलोब जो होते हैं उसको, वो असल में अवेयरनेस की बात है, आपने तौबा नहीं करनी, मतलब कि ये अवेयरनेस की बात है। तो इसमें आपने अपने कान जो है थोड़े से प्रेस करोगे, जो एयरलोब आपका जो मेन होता है उसको आप प्रेस करो, ये अवेयरनेस के लिए होता है। कॉन्सेंट्रेशन के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बता दूँ, योगा के थ्रू या एक्सरसाइजेस के थ्रू आपको एक चीज़ करनी चाहिए, कोई भी डॉट या कोई भी चीज़ आप सामने एक बस फोकस करें और उसको देखते रहो, कितनी देर सिर्फ उस डॉट के बारे में सोचते जाएं एंड ब्रीदिंग पर अपनी नोटिस करें। होता ये कि हमारी कंसंट्रेशन, यानी हमें आदत होती है ओवर थिंकिंग की, एक सोच के बाद दूसरी लूप चलता जाता है, हमें इस लूप को जरा कंट्रोल करने की जरूरत है। अच्छा। तो अगर हम फोकस करना शुरू, स्पेशली स्टूडेंट्स को ये चीज अगर माँ बाप करवाते हैं, जैसे कि अच्छा वहाँ पर डॉट ड्रॉ किया हुआ या कोई भी चीज देखते रहो, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस, तो ब्रीदिंग पे फोकस करें और आदत पड़ेगी, और उससे फिर ग्रेड्स वगैरह बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, और इससे एंजाइटी कंट्रोल होती है। अगर बच्चों को कहा जाए कि अपने सांस पर गौर करें, इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ, इससे वो रिलैक्स होंगे, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है एग्जाम का, और अगर टेंशन ज़्यादा हो जाए तो आप कराटे चॉप इसको कहते हो, आप इसको टैप करना शुरू कर दो जब टेंशन होती है, इसे EFT कहते हैं, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। कौन सा हैंड है ये? आप जो आपका जो डोमिनेंट हैंड है उससे आप करना शुरू कर दो, इसको प्रेस करो इस एरिया को अपने, टैप करो, टैप 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 टैप, जब हो रही है टेंशन हो रही है, एंड जस्ट रिलैक्स। योगा की एक्सरसाइज के लिए जिनके बाजू हेल्दी होते हैं और डबल चिन, उनको बहुत बच गए, बाकी वो पतले हो जाते हैं, बाजू या तो बहुत या पेट बहुत निकला हो, ये वाकई ये कॉमन इशू है। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करना है? बहुत आसान, मतलब इसमें हम कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं बताएंगे, स्ट्रेच, जस्ट स्ट्रेच। बाजुओं को टोन करने के लिए सामने आपने लेकर गए अपने हाथों को, सही,
अब उसी रोटेशन के साथ आपने मतलब चेंज नहीं करना अपनी पोजीशन को. अब यहाँ कितनी देर रखा? एक्सेल. अब बात हो रही थी डबल चिन की, साथ ही आप अपने हाथों को पीछे ले गए. सही. एंड लिफ्ट. ओके. बाजू चिन दोनों एक दफा फिर से स्ट्रेच आउट. अप. एक्सेल. बैक. स्ट्रेच. चिन अप. डबल चिन. फ्लैबी आर्म्स. ये टोन हो जाते हैं. जबरदस्त जबरदस्त. थैंक यू सो मच सलाफे कि आज आपने इतनी जबरदस्त हमें योगा की टिप्स बता दिए. जनाब योगा जैसे आपको बताया कि आपके बॉडी माइंड और जो आपका सोल है तीनों के लिए बहुत ज़्यादा एक इसकी जो मेडिटेशन का इफेक्ट है तमाम तरह इफेक्ट जो है वो बहुत कारामद साबित होते हैं. और जिन लोगों को लगता है कि उनकी जो जो इश्यूज़ हैं वो उसे सॉर्ट आउट नहीं हो सकते तो ऑब्वियसली स्लो एंड स्टेडी है लेकिन एट द एंड आपकी चीज़ें बिल्कुल हो जाती हैं. थैंक यू सो मच सलाफे. और अभी हम ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आपको मजीद मेहमानों से भी मिलवाएंगे और जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से भी बात करेंगे. लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए जागो लाहौर.